Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम लॉन कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क के साथ और लेस के साथ नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई मैंने यहाँ पे 10.5 इंचेस पे ली है और इस पीस की टोटल लंबाई हमने यहाँ पे 19 इंचेस पे ली है। इसको हमने डबल फोल्ड करना है और गले के लिए निशान लगा लेना है सबसे पहले। तो जी, गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे 3.5 इंचेस पे ली है और गले की लंबाई हमने यहाँ पे 6 इंचेस पे ली है। अब जहाँ तक हमने लंबाई ली है 6 इंचेस पे, वहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे एक और निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब ऊपर से नीचे तक हम यहाँ पे 18 इंचेस पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जी ऊपर वाले निशान को हमने इस कॉर्नर वाले निशान के साथ मिला लेना है और जो सेंटर पे हमने 1.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाया था उसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। पहले इस तरह से दो निशानों को मिला लेंगे, उसके बाद नीचे तक वी शेप में। आप यहाँ पे चाहें तो स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने ये हार्ड पेपर लिया है। अब इस पीस की टोटल चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.25 इंच पे ली है और इसकी लंबाई मैंने 1.25 इंच पे रखी है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है बिल्कुल बराबर और इस तरह से हमने गुलाई दे देनी है, ये देखें। तो जी कुछ इस तरह से हमने इस पेपर को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे कॉर्नर से रखते हुए इसके ऊपर निशान लगाते हुए जाएंगे। जो हमने लाइन लगाई है बिल्कुल इसके बराबर हमने इसको इस तरह से रखना है और इसी के हिसाब से हमने निशान लगाते हुए जाना है, ये देखें। इस तरह से बिल्कुल साथ साथ रखते हुए अब जितना सा ऊपर की साइड बचा हुआ है ये हमारा कंधे की सिलाई में चला जाएगा। अब एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए मैं एक और निशान लगा लेंगे कटिंग का। बाद में अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब सिंपल इसी शेप में हम इस गले की कटिंग कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब साइड से थोड़ा सा बुकरम छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा बुकरम को हम कट कर लेंगे और जो इसके नीचे वाली साइड है, कॉर्नर वाली साइड, वहाँ पर भी हम इस तरह से इसको फोल्ड करके हल्की सी गोलाई दे देंगे, ये देखें इस तरह से। अब सिंपल हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करते वक्त हम यहाँ पे इसका साइज़ पहले चेक कर लेंगे ताकि गला जो है वो ज़्यादा खुला ना हो। तो जो मैंने सेंटर से पीस कट किया था वही मैं यहाँ पे रख के इसको पहले चेक कर लूँगी, उसके बाद हम यहाँ पे गले को पेस्ट करेंगे। आप चाहें तो इंजीनियर की मदद से भी गले की चौड़ाई जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैं ये ज़ीरो की बुकरम यूज़ कर रही हूँ जो कि आपको वाइट ब्लैक दोनों कलर में ईजिली शॉप से मिल जाएगी। इसको हम गले के ऊपर पेस्ट करेंगे, इससे जो है वो कटवर्क में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। फिर चाहे आप स्लीव के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, दामन के ऊपर या फिर ट्राउज़र के ऊपर, तो मैं इसको लाजमी यूज़ करती हूँ। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जी अब साइडों से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए, और ये जो हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा हुआ है उसको हमने इसके ऊपर फोल्ड करके एक रफ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हमने शर्ट की फ्रंट वाली साइड लेनी है, उसको हमने सीधा करके रखना है और जो सेंटर पे एक क्रीज बनी हुई यानी जो निशान बना हुआ है उसको हम टेलर चौक की मदद से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि ये अच्छे से नजर आए। अब जो हमने गले का पीस रेडी करके रखा है इसको हमने इसके ऊपर उल्टा करके रखना है इस तरह से। पहले हम इसको सेंटर से कट करेंगे ऊपर की साइड से, उसके बाद इसके ऊपर इसको उल्टा करके यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अच्छा, कटवर्क के ऊपर सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसके सेंटर पे एक रफ सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। उसके बाद जिस शेप में ये डिज़ाइन बना हुआ है उसी शेप के हिसाब से हम इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगा लेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, और साइडों पे मैंने पिन का यूज़ किया है ताकि साइड से कपड़ा जो है वो हिले ना, ये देखें इस तरह से।
अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे, और जो गोलाई की शेप हमने दी हुई है इस पर हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं कपड़े के ऊपर। ध्यान रहे हमारी सिलाई कट ना हो, बस कपड़े के ऊपर हमने छोटे से कट्स लगाने हैं ताकि पलटने के बाद गले में फिनिशिंग आए। अब इसी तरह से मैं पूरे गले को कट करके इसको अच्छे से पलट के आयरन कर लूँगी। तो इस तरह से जी देखिए हमने गले को पलट के अच्छे से आयरन कर लिया है। उसके बाद ये मेरे पास लेस है जिसको हमने इसके ऊपर यूज़ करना है। अब लेस को हम यूज़ कुछ इस तरह से करेंगे कि ऊपर की साइड जो है वो सिलाई नज़र ना आए। तो यहाँ पे जो नीचे की साइड वाला फैब्रिक है उसको मैंने यहाँ पे सीधा करके रखना है, और ये जो लेस है मैंने इसको उल्टा करके इस तरह से इसके ऊपर रखना है और किनारी की जो है वो सिलाई लगाते हुए जाना है। ये देखें इस तरह से जो कटवर्क वाला पैटर्न हमने रेडी किया उसके ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इसकी किनारी पे जो है वो हम ये सिलाई लगाएंगे इस तरह से लेस को रखते हुए। और इस बात का आपने ध्यान रखना है जो हमने कटवर्क वाला डिज़ाइन बनाया है उसके सेंटर पे जो है ये लेस अच्छे से नज़र आनी चाहिए, जो कि आपको यहीं से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी आपको लेस ये जो है बाहर की तरफ नज़र आएगी। अब जो नीचे की साइड गोलाई है उसके ऊपर भी आपने लेस को इस तरह से फोल्ड करना है, जहाँ पे आपको लगे लेस में झोल आ रहा है वहाँ पे आप लेस को थोड़ा सा कट कर लें इस तरह से। अब जब हम इस लेस को पलट देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये लेस नज़र आएगी। अब ऊपर की साइड देखिए हमारी कोई सिलाई नहीं लगी हुई, बिल्कुल गुम तरीके से फिनिशिंग के साथ ये लेस लगी है। और सेंटर वाली साइड से देखिए कुछ इस तरह से लेस को हमने स्टिच किया है इसके ऊपर। अब हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद देखिए गला हमारा कुछ इस तरह से रेडी है। उसके बाद ये हमने सेंटर का पीस रेडी किया है। एक कपड़े के ऊपर मैंने बुकरम पेस्ट किया है, फिर दूसरे फैब्रिक को सिलाई करके बैक साइड की तरफ पलट लिया है और तीन साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हमने इसके गले के आगे इसको सेट करना है गले की लंबाई के हिसाब से, लेकिन सिलाई इस तरह से लगानी है कि गुम तरीके से लगे, ऊपर की तरफ सिलाई नज़र ना आए। सबसे पहले ऊपर से मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई चेक कर लूँगी गले के हिसाब से। अब हमने इसकी किनारी पे पिंस लगा के इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, इसी तरह से हम चारों तरफ इसके ऊपर पिंस लगा लेंगे। अब ऊपर वाले कपड़े को जब हम फोल्ड करेंगे तो नीचे की साइड देखें जो हमने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया था वो नज़र आ रहा है, उसको हमने नीचे वाले कपड़े के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसी के ऊपर हमने मशीन की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से, जिस तरह से हमने लेस के लिए कपड़े के ऊपर सिलाई लगाई थी उसी तरह से उसी फैब्रिक के ऊपर हम यहाँ पे अंदर की साइड नीचे वाले फैब्रिक के साथ मिलाते हुए इसको सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर जी देखें ऊपर की साइड आपको सिलाई नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि हमने वो गुम तरीके से लगाई थी, बैक साइड से मैंने इसको तुरपाई कर लिया है और जो लेस है उसके ऊपर मैंने पल्स स्टिच कर लिए हैं। बस जहाँ तक नीचे वाला फैब्रिक है वहीं तक मैंने पल्स स्टिच किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।